أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا اے وہ لوگو جو ایمان لے کر کے آئے ہو کو انفسکم بچاؤ اپنے آپ نو و اہلیکم نارا اور اپنے اہل نو جہنم دی اگ دے کولوں سامعین محترم اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق اور قابض ہے درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین آمینہ دلال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری ذات تے انسان دنیا تے جتنے بھی اعمال کردا اے نیکیاں کردا اے جتنی بھی رب العالمین دی عبادت کردا اے اس دی عبادت دا مقصد اے ہی ہویا کردا اے کہ اللہ منو جہنم دی اگ تو بچا لوے جیڑا بھی عمل انسان کردا اے مقصد اے ہی ہوندا اے کہ اللہ جہنم دے عذاب کولو بچا لوے اس تو علاوہ انسان دا کوئی اور مقصد نہیں ہوندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دے لوگو جہنم دی آگ دے کولو بچ جاؤ چاہے ایک کھجور اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر کے بچو فرمایا کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جہنم نو لیاندا جائے گا 70,000 لگاما جہنم نو پائیاں ہون گیاں فرمایا کہ ایک لگام نو 70,000 فرشتیاں نے پکڑیا ہوئے گا اس حالت دے اندر جہنم نو لیاندا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 3 مرتبہ رب العالمین دے کولوں دعا کردا اے کہ اللہ منو جہنم دے عذاب کو لو بچا لے اللہ منو جہنم دے عذاب کو لو بچا اللہ منو جہنم دی آگ کو لو بچا نبی پاک نے فرمایا کہ جہنم اللہ نو بول کے کہیں دی اللہ انو جہنم دے کولوں بچا دے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو ڈرایا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ جہنم دی اگ دے کولو بچن واسطے اعمال کرو اور رب العالمین نے قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ نازل کی تھی فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے میرے پیارے محبوب تسی اپنے رشتے داراں نو ڈراؤ اپنے قریبیاں نو ڈراؤ جہنم دی اگ دے کولو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے علیحدہ علیحدہ
किते फरमाया या बनी का बिबनी लुवई, ए बनी का बिन लुवई अपने आप नू जहन्नम दे कोलों बचा लवो। अन किजी अनफुसकुम मिनन नार, किते फरमाया अब्दे शम्स अपनी औलाद नू जहन्नम दे कोलों बचा लवो। नबी पाक ने किते फरमाया अब्दे मुनाफ नू के तुसी भी जहन्नम दे कोलों अपने आप नू बचा लवो। बनु हाशम बनु अब्दुल मुतलिब नू, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सब तो प्यारी लखते जिगर नूरे नज़र हज़रत अम्मा जी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नू मुखातब करके फरमाया या फातिमा तो अन किजी नफ्सा का मिनन नार, ए मेरी प्यारी बेटी अपने आप नू जहन्नम दे कोलों बचा लै। ये ना समझी कि मेरा बाप कायनात दा सरदार है, कल क्यामत वाले दिन मैं जहन्नम दे कोलो बाप दी वजह तो बच जावांगी। फरमाया फइन्नी ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैया, मैं अल्लाह दे हाँ कुछ नहीं कर सकता, मैं तेनू अल्लाह दे कोलो नहीं बचा सकता, जहन्नम दी अजाब कोलो जहन्नम दी अग कोलो मैं नहीं बचा सकता। ऐ मेरी प्यारी बेटी अगर बचना है तो आमाल कर, खुद बच जहन्नम दी अग दे कोलो। हजरात अज दे इस खुतबा जुमा दे अंदर जहन्नम दे कोलो बचन वाले जहन्नम दी अग दे कोलो बचन वाले आमाल दा तस्करा किया जाएगा। आमाल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ आमाल मैं अज दे जुमे दे अंदर तुसा अहबाब दे सामने रखांगा कि अगर असी ओ आमाल करांगे किन आमाल दे नाल बंदा जहन्नम दी अग दे कोलों जहन्नम दे अजाब कोलों बच सकदा है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात अपने सहाबा नूं डराया, अपने आल औलाद नूं डराया, अपने खानदान नूं डराया, और रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक नाजल किया। अल्लाह फरमान दे वे मेरे प्यारे महबूब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान नबुवत ऐलान कर दियो। अल्लाह फरमान दे वे या अय्युहल्लज़ीना आमनु को अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगो जो ईमान ला करके आए हो, को अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा अपने आप नू और अपनी औलाद नू अहलो अयाल नू जहन्नम दे अजाब कोलों बचा लवो। हजरात अज मैं ये बात गुजारिश करना चाहना, तुसा अहबाब दे सामने ऐसे आमाल रखना चाहना कि जिन आमाल दी वजह तो रब्बुल आलमीन बंदे नू जहन्नम दे अजाब कोलों बचा लेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओ आमाल दसे। हजरात कुछ बातां जरा नोट करके लैके जाना, ओ केरे माले के जदों बंदा करे रब्बुल आलमीन बंदे नू जहन्नम दे अजाब कोलों बचा लेंगे। सब तो पहली बात रब दी तौहीद दा होना जरूरी है, जो रब दी तौहीद नू नहीं मानता अल्लाह उस बंदे नू जहन्नम दे अजाब कोलों नहीं बचाएगा। हजरात तो रब दी तौहीद क्या है, रब दी रुबूबियत क्या है, रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे अंदर इस बात का ऐलान किया। अल्लाह फरमान दे वे वा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। दुनिया दे लोगो तुहाडा इला एक इला है, उस इला तो इलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं। हजरात अपनी जबान चो ला इलाहा इल्लल्लाह दा ऐलान करना तो बहुत आसान है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह दे तकाज़ियां नू पूरा करना बहुत मुश्किल है। ला इलाहा इल्लल्लाह नू समझ के ओदे मुताबक अपनी जिंदगी नू गुजारना बहुत मुश्किल है। एक दिन नबी
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दे नाल इस तरह सफर करके जा रहे वे हजरत हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो नू नबी कायनात अलैहि सलातो वसलाम यमन दे अंदर गवर्नर बना के भेज रहे वे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मुआज़ मेरी बात सुन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कैसी मोहब्बत की थी कैसा प्यार कीता। हजरत गुलाम ने अपने आका दे सामने जवाब दिता लबैक व सादैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह दे नबी जी मैं हाजरा फरमाओ की कहना चाहते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मुआज़ मन शहीद ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हर्रम अल्लाहु अलन नार। जेड़ा बंदा इस बात की गवाही पेश करता है इस बात की शहादत देता है अल्लाह तो इलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं अल्लाह तो इलावा कोई माबूद नहीं और मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल है। नबी पाक ने फरमाया हर्रम अल्लाहु अलन नार अल्लाह इस बंदे ते जहन्नम दी आग नू हराम कर देंदे वे ये बंदा जहन्नम दे अंदर नहीं जा सकता। जो बंदा अपनी जुबान चो ला इलाहा इल्लल्लाह दी गवाही पेश करता है और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया मम्माता वहुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दाखलल जन्ना। जेड़ा बंदा इस हालत दे अंदर इस दुनिया तो गया इस हालत दे अंदर इस बंदे नू मौत आई कि इन्हें अपनी जबान चो ला इलाहा इल्लल्लाह दा ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह दे तकाज़ियां नू पूरा किया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नू फरमांदे ऐसा बंदा जन्नत दे अंदर दाखिल होएगा। और हजरत उबादा इबने सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इन्हां दे कोल हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो तशरीफ लैके आए। हजरत अबू अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उस मौके ते उबादा इबने सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दे कोल आए। उबादा इबने सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जिंदगी मौत दी कशमकश दे अंदर है इस दुनिया तो रुखसत हो रहे वे इन्हां दे आखिरी सांस चल रहे वे। हजरत अबू अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान इन्हां दे कोल आके बैठ दे वे इन्हां दे कोल बैठ के इन्हां दी कफियत वेखी इन्हां दी हालत वेख के रोन लग पे इन्हां दी अखां दे अंदरों आंसू निकल रहे वे। हजरत उबादा इबने सामित रज़ी अल्लाह तआला नू पुछ दे वे ए अबू अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान रो किस वजह तो रहे हो। अबू अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला नू अर्ज कर दे वे रो इस वजह तो रहा वा कि तुसी दुनिया तो जा रहे हो अगर कल क्यामत वाले दिन अल्लाह ने मेरे को सफारिश मंगी तेरे हक दे अंदर मैं तेरी सफारिश अल्लाह दे सामने पेश करांगा। अगर रब्बुल आलमीन ने गवाही मंगी मैं गवाही पेश करांगा। हजरत उबादा रज़ी अल्लाह तआला नू फरमान दे ए अबू अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान मैं तेनू जग्गा ने पीर अलैहि सलात व सलाम दियां बहुत अहदीसा सुनाइया है एक होर हदीस मेरे कोलो सुन ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन शाहिदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हर्रम अल्लाहु अलैहि नार। अबू अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान जिस बंदे ने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह तो इलावा कोई माबूद नहीं अल्लाह तो इलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं नबी पाक दी रिसालत दा ऐलान कीता अल्लाह इस बंदे ते जहन्नम दी आग नू हराम कर देंदे वे ये बंदा जहन्नम दे अंदर दाखिल नहीं हो सकता। जो बंदा अपनी जबान चो इस बात का ऐलान करता है
अल्लाह तो इलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह दा ऐलान कर दाए। और हजरात अल्लाह दे जितने भी नबी इस दुनिया ते आए, किसे नबी ने अपना लोगों को नहीं मनवाया कि मिन्नू मनो, सब तो पहला रब की तौहीद का ऐलान किया। आदम अलैहिस्सलाम आए, इन्होंने रब्बुल आलमीन की तौहीद का ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम नू इस दी दावत दी, नूह अलैहिस्सलाम आए, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह दी दावत पेश की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दुनिया ते आए, रब्बुल आलमीन ने नबूवत ता फरमाई, हजरत इब्राहिम ने भी रब्बुल आलमीन दी तौहीद दा ऐलान किया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी रब दी तौहीद दा ऐलान किया, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने भी रब दी तौहीद दा ऐलान किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी सब तो पहला रब दी तौहीद दा ऐलान किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी सब तो पहला रब दी तौहीद दा ऐलान किया। जब वारियां आईयां जगां ने पीर अलैहिस्सलाम दियां, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सब तो पहला रब दी तौहीद दा ऐलान किया। फरमाया, या अय्युहन नासु कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहु तमलिकुल अरब वल अजम। सारे नबियां ने सब तो पहला रब दी तौहीद दा ऐलान किया, ये तौहीद नबियों ने सिखलाई हमको, जिसम अपना पत्थरों से जख्मी करा कर वो कहते थे लोगों, कहो ला इलाहा खुदा के सिवा कोई दाता नहीं है। हजरात कल क्यामत वाले दिन जहन्नम दे कोलों बचन वास्ते, जहन्नम दी अग दे कोलों बचन वास्ते, सब तो पहला जिरा अमल रब दी तौहीद दा होना लाजिम है। जो बंदा रब दी तौहीद नू नहीं मानदा, रब नू मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं मानदा। अज ते लोग छल्लियां दे उम्मीदां रख के बैठे वे, कोई किसे चीज से उम्मीद ला लेंदा है, कोई किसे चीज से उम्मीद ला लेंदा है। हजरात रब दी रहमत तो रब तो ना उम्मीद हो के असी छल्लियां ते असी कड़ियां ते उम्मीदां ला लईयां है, इस वजह तो असी जलील हो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा इस बात दी अपनी जबान चो ऐलान कर दाए, अल्लाह तो इलावा मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह तो इलावा हाजत रवा नहीं। और नबी पाक ने फरमाया, इस ऐलान ते पक्का रहिंदा है और इनू मौत भी इस हालत दे अंदर आ जाती है। कल क्यामत वाले दिन अल्लाह इस बंदे नू कदी भी जहन्नम दे अंदर दाखिल नहीं करनगे। हजरात आमाल दी कबूलियत वास्ते, बंदे दे जहन्नम दे कोलों बचन वास्ते, सब तो पहला अमल रब दी तौहीद है। दूसरा अमल जरा तवज्जो नाल सुनदे जाना, दूसरा अमल इखलास दा होना भी जरूरी है कि जेड़ा भी अमल बंदा करदा है रब दी रजा वास्ते करे, रब दी खुशनुदी वास्ते करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वा मा उमिरू इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। जेड़ा भी अमल करना है रब्बुल आलमीन दी रजा वास्ते करना है, दुनिया नूं वखान वास्ते अमल नहीं करना। हजरात अगर अमल दे अंदर इखलास मौजूद होएगा, रब दी रजा मौजूद होएगी, रब दी खुशनुदी मौजूद होएगी, लिल्लाहियत मौजूद होएगी, रब दी रजा वास्ते अमल किया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस अमल नू रब्बुल आलमीन अपने दरबार दे अंदर कबूल फरमान गए। जे अगर दुनिया नू दिखान वास्ते बंदा नमाज पढ़दा है, नमाज कबूल नहीं होएगी। हजरत उबादा इब्ने सामित रजी अल्लाह ताला अन्हो, इन्हें देखिया एक बंदा नमाज पिया पढ़दा है, नमाज पढ़नी शुरू करन लगा। उबादा इब्ने सामित रजी अल्लाह ताला अन्हो नू कहिंदा है, ऐ उबादा मैं इतनी अच्छी नमाज इस वजह तो पढ़ना वा, लोग वेख के कहन के बड़ी अच्छी नमाज पढ़दा है, बड़े अच्छे
कुवत सुजूद करता है। हजरत उबादा रसी अल्लाह ताला नो फरमान देवे जेरी तू लोगां नू दिखान वास्ते नमाज पढ़ना है ये नमाज तेरी जाया हो जाएगी, ये नमाज कबूल नहीं होएगी, ये जाया हो जाएगी क्योंकि एदे अंदर इखलास नहीं, इखलास वाली इबादत रब्बुल आलमीन कबूल फरमान दे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरात ए बड़े रोया कर दे एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस जदों याद आंदी बहुत ज्यादा रोया कर दे। केरी हदीस जदों याद आंदी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला नो फरमान दे जगां दे पीर अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया हजरात जरा तवज्जो दिल लगा के बात नु सुनना। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला नो फरमान दे नबी पाक ने फरमाया कल क्यामत दा दिन होएगा रब्बुल आलमीन तीन बंदियां दे नाल जहन्नम दी अग दा आगाज करनगे। सब तो पहला अल्लाह इन्हां तीन बंदियां नू जहन्नम दे अंदर सुटनगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला ओ बंदा कि जेड़ा बंदा अल्लाह दे रस्ते दे अंदर शहीद हो गया इन्हें अपनी जान नू कुर्बान कर दिता। दूसरा ओ बंदा कि जिन्हें अपनी सारी जिंदगी तबलीग वास्ते अल्लाह दे रस्ते दे अंदर लोगां नू तौहीद वल लोगां नू अल्लाह वल बुलांदियां गुजारी। तीसरा ओ बंदा कि जिन्हें अपना माल अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च किया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला नू इस वजह तो रोया करदे सन अमल इन्हां ने बहुत उच्चे किते अमल बहुत अच्छे वे लेकिन जहन्नम दे अंदर जा रहे वे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क्यामत दा दिन होएगा ये शहीद बंदा अल्लाह दे दरबार दे अंदर आएगा। जिस बंदे ने अपनी जान नू अल्लाह दे रस्ते दे अंदर कुर्बान किया अपने तन नू लुटा दिता हर चीज नू रब्बुल आलमीन दे रस्ते दे अंदर वक्फ कर दिता। नबी पाक ने फरमाया ये शहीद अल्लाह दे दरबार दे अंदर आएगा। रब्बुल आलमीन नू पुछणगे मैं तेनू जवानी अता फरमाई मैनू ए ते दस जवानी कित्थे गुजार के आया है। ये बंदा कहेगा अल्लाह मैं अपनी जवानी नू तेरे रस्ते दे अंदर कुर्बान कर दिता मैं तेरे रस्ते दे अंदर जिहाद करन वास्ते निकलिया तेरे दुश्मना दे नाल टकराया टकरांदा टकरांदा अल्लाह मैं अपनी जान नू कुर्बान कर दिता। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह कहणगे बंदिया कज़ब ता तू झूठ बोलना है तू अपनी जान नू ते लुटाया लेकिन तेरा मकसद ए सी कि दुनिया वाले कहन बंदा बड़ा बहादुर है दुनिया नू दिखाण वास्ते तू ए अमल कीता। हजरात शहादत बड़ा उच्चा रुतबा है बड़ा आला रुतबा है। नबी पाक ने फरमाया इस बंदे ने अपनी जान नू कुर्बान किया लेकिन कल क्यामत वाले दिन अल्लाह कहणगे ओ बंदिया तू जान नू ते कुर्बान किया लेकिन लोगां नू वखाण वास्ते लोगां दे सामने अपने आप नू बहादुर सदवान वास्ते ए बंदिया तू झूठ बोलना है तेरी नीयत दे अंदर फतूर आ गया है। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह फरिश्तियां नू कहणगे इस बंदे नू पकड़ लवो इस बंदे नू जकड़ लवो इहनू मूंह दे बल घसीड़ के जहन्नम दे अंदर सुट दियो। अमल बहुत उच्चा है नेक अमल है अल्लाह दे रस्ते दे अंदर बंदा शहीद होया है लेकिन अमल दे अंदर फतूर आ गया है इखलास खत्म हो गया है रब दी रजा खत्म हो गई है। नबी पाक ने फरमाया बंदा जहन्नम दे अंदर चला जाएगा। दूसरा बंदा आएगा अल्लाह पूछेगा तू दस जिंदगी कित्थे गुजारी है ये बंदा कहेगा अल्लाह सारी जिंदगी दीन दी तबलीग कर दिया लोगों नू तेरे वल बुला मस्जिद की तरफ बुलांदिया लोगों नू कुरान दी तालीम दिती अल्लाह फरमान के बंदिया कज़ब ता तू भी झूठ बोलना है तू दीन दा काम ते कीता लेकिन लोगों नू वखाण वास्ते कीता कि लोग मैनू कहन कि तू बड़ा अच्छा खतीब है तेरी बड़ी अच्छी आवाज़ है लोगों नू वखाण वास्ते तू दीन दा काम कीता ऐ बंदिया जो तू चाहना से दुनिया ते तेनू मिल गया तू झूठ बोलना है तू लोगों नू वखाण वास्ते अमल की तेरे अमल नू मैं जाया करना वा। फरिश्तियां नू रब्बुल आलमीन कहणगे इस बदबख्त नू पकड़ो इनू जकड़ के मुंह दे बल घसीड़ के जहन्नम दे अंदर सुट दियो।
नबी पाक ने फरमाया इन्हू भी जहन्नम के अंदर सुट दिता जाएगा। तीसरा बंदा लिया जाएगा जिन्हें अपना माल अल्लाह के रस्ते के अंदर खर्च किया, अगर कोई बेवा औरत आ गई है उन्हों दे दिता, अगर यतीम आ गए उन्हों दे दिता, अगर कोई मदरसे वाले आ गए उन्हों माल दे दिता, मोहल्ले के अंदर गरीब बच्ची की शादी कर दी, माल बड़ा खर्च किया, बड़े सदका और खिरात करने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब दे सामने खड़ा होएगा, अल्लाह पूछेगा बंदिया मैं तेनू माल दिता, मैनू ये दस माल कितने लगा के आया है। ये बंदा कहेगा अल्लाह मैं तेरे रस्ते के अंदर माल खर्च किया, गरीबा यतीमा मस्कीना ते माल खर्च किया, गरीबा यतीमा मस्कीना की बड़ी मदद की। अल्लाह फरमान गे कसबता तू झूठ बोलना है, तू अमल ते कीता लोगों की खिदमत की माल ते खर्च किया, लेकिन तू लोगों नू खुश करन वास्ते माल खर्च करता रहा कि लोग कहन के बड़ा यार खर्च करन वाला है, बड़ा गरीबा का ख्याल रखन वाला है, बड़ा मस्कीना बेवा औरतों का ख्याल रखन वाला है। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह कहन गे फरिश्तियां नू ऐ मेरे फरिश्तियो इनू पकड़ लवो, इनू जकड़ के इनू मुंह दे बल घसीड़ के जहन्नम दे अंदर दाखल कर दियो। ये तीन बंदे जहन्नम के अंदर सुट दिए जाएंगे। हजरात आमाल बहुत आला है, चोटी दी अमल है। अल्लाह के रस्ते के अंदर जो बंदा शहीद होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहीद बंदे दा जो बंदा मैदाने मकतल के अंदर जाके लड़ता है, इनू तीर लगता है, इनू गोली लगती है, इहदे खून का कतरा जमीन दे बाद दे अंदर गिलता है, अल्लाह इहदे सारे गुनाह माफ करके इनू जन्नत अता फरमा दें दे। बहुत आला अमल है, लेकिन अगर अमल दे अंदर नीयत दे अंदर फतूर आ गया, अल्लाह की रजा ना होई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अमल जाया कर दिता जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुहाडे दिलां वल वेखदा है, तुहाडियां सूरतां वल नहीं वेखदा, तुहाडे जिस्मां वल नहीं वेखदा। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवारिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह सूरता नहीं वेखदा, अल्लाह जिसम नहीं वेखदा, अल्लाह रंग नहीं वेखदा, अल्लाह दिलां दे तकवे वेखदा है, अल्लाह दिलां नू वेखदा है कि बंदा अमल कर रहा है कादे वास्ते कर रहा है, लोगों नू दिखाण वास्ते कर रहा है, मेरी रजा वास्ते कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हजरात इखलास किस तरह का होना चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा दा इखलास कैसा है। मैदान ओहद दा मौका है, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी आप दी खिदमत दे अंदर पेश होया, इन्हां ने हाथ दे अंदर खजूरां पकड़ियां होईयां है, आ के कहिंदा अल्लाह दे नबी अगर मैं मैदाने जिहाद दे अंदर जावां, अल्लाह दे रस्ते दे अंदर लड़ाई करां, अगर मैं शहीद हो जावां मैं कित्थे जावांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू अल्लाह दे रस्ते दे अंदर निकलना है जिहाद करना है तू शहीद हो जाना है, अल्लाह तेनू जन्नत ता फरमान गे। हजरात इस बंदे ने नबी पाक दे साहबी ने खजूरां सुटियां, फौरी तौर ते मैदाने मकतल दे अंदर चला जांदा है। इखलास देखो कैसा है, जन्नत दी तड़प देखो कैसी है, फौरी तौर ते मैदाने मकतल दे अंदर चला जांदा है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओ तेरी नमाज भी रब वास्ते, तेरी कुर्बानी भी रब वास्ते, तेरी जिंदगी भी रब वास्ते, तेरा मरना भी रब वास्ते। नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा बंदा अपनी जिंदगी अल्लाह वास्ते लगा देंदा है, इहदी जिंदगी दा पल पल अल्लाह वास्ते गुजरदा है, ये जिहड़ा भी अमल करदा है रब दी रजा वास्ते करदा है, दुनिया ते इहनू कोई लालच नहीं हुंदा, लोगां नू वखाण वास्ते अमल नहीं करदा, किसे ओहदे दा इहनू शौक नहीं हुंदा,
करता, किसे ओदे दी खातर लोगां दी खिदमत नहीं करता, रब दी रजा वास्ते लोगां दी खिदमत करता है, रब दी रजा वास्ते किसे गरीब दा एहसास करता है, रब दी रजा वास्ते माड़े बंदे दा ख्याल रखता है, रब दी रजा वास्ते बेवा औरत दे नाल तावन करता है। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह इस बंदे दे अमल नू कबूल फरमानगे। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा बंदा इखलास दे नाल जो भी अमल करता है, अमल चाहे छोटा क्यों नहीं, रब्बुल आलमीन उस बंदे दे अमल नू कबूल फरमा लैंदे वे। अमल बहुत बड़ा है, पहाड़ दी मानी दा अमल है, पहाड़ा जैसा बंदा अमल करता है, लेकिन अमल दे अंदर नीयत अच्छी नहीं, इखलास नहीं मौजूद। नबी पाक ने फरमाया ऐसा अमल अल्लाह कबूल नहीं फरमाते। इखलास दा होना जरूरी है, और इखलास दी बरकत कैसी है, अल्लाह ताला दुनिया के बंदे नू इखलास दी बरकत कैसी दिखांदे वे। इमाम ज़ाहबी रहिमहुल्ला दी एक किताब, उन्होंने अपनी किताब के अंदर एक बड़ा प्यारा वाकया नकल किया। इमाम मुहम्मद बिन मुनकज़िर दा इन्हां दा वाकया नकल किया कि ए इमाम साहब रियाजुल जन्ना के अंदर बैठे हुए नमाज़े तहज्जुद पढ़ रहे वे। हजरात इखलास की बरकत कैसी, जिस बंदे दे अमल दे अंदर इखलास मौजूद होंदा है, रब दी रहमत किस तरह नाजल होंदी है, रब उस बंदे दीआं दुआवां कबूल फरमांदे। इमाम साहब फरमांदे मैं रियाजुल जन्ना दे अंदर बैठा होया वा, नमाज़े तहज्जुद पढ़ रहा वा, मैं की देखना वा, एक बंदा है कि जिहड़ा नमाज पढ़ रहा है, नमाज़े तहज्जुद पढ़ रहा है, ये नमाज़े तहज्जुद तो फारग होया, रब दे सामने हाथ उठा लैंदा है, ये बंदा बड़ा नेक है, रब दे सामने हाथ उठांदा है, हाथ उठा के दुआ करदा है, ऐ अल्लाह हुन ते बच्चे भी बिलक रहे वे, हुन ते जानवर भी बिलक रहे वे, हुन ते जवान मर्द औरतां भी बिलक रहे वे, अल्लाह बड़ी देर हो गई है बारिश नहीं हुई, जमीन ते कहर साली पै गई है, ऐ अल्लाह लोग बड़े परेशान है, तू बारिश नाजल फरमा। ए इमाम साहब फरमांदे मैं की देखना वा, एदे हाथ अजे नीचे नहीं होए, अल्लाह ने रहमत बारिश नाजल फरमा दी। जो बंदा फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद के अंदरों निकलिया, रियाजुल जन्ना के अंदरों निकलिया, इमाम साहब फरमाते मैं ये पीछे चला गया कि देखा तो सही बंदा किधर जाता है, ये बंदा अपने घर के अंदर जाता है। इमाम साहब फरमाते मैं निशानी लगा के वापस आ जाना, क्योंकि मेरे हजे कुछ जिक्रो अजकार कुछ नवाफल बकाया रेंदे वे कि पढ़ के जाके फिर मुलाकात करांगा। इमाम साहब फरमाते मैं घर के दरवाजे ते निशानी लगा के वापस आ जाना वा, अपने जिक्रो अजकार की ते नमाज़े इशराक बढ़ी, मैं जिक्रो अजकार तो फारग हो के उन्होंने घर के अंदर दोबारा जाना, जाके दरवाजा खड़काना, वो बाहर आंदा है, वो अल्लाह दा वली अल्लाह दा नेक बंदा, मैं उन्हूं कहना वा कि यार जिहड़ी तू रब दे सामने राती दुआ की है, रब दे सामने तू रोया है, मैनू वो बहुत पसंद आया है, फिर तेरी दुआ के अंदर रब ने इन्ना असर रखिया है कि तेरी दुआ फौरी तौर ते रब ने कबूल कर ली है। ये बंदा अगो की कहता है कि यार लोगों नू ना दसी कि मैं दुआ की सी, मेरी दुआ की वजह तो रब ने बारिश नाजल की सी, तेरी मेहरबानी है, लोगों नू ना दसी, लोगों नू ना दसी। इमाम साहब फरमाते मैं वापस आ गया, कुछ दिन गुजरे, मेरा दिल किया मैं उन्होंने मुलाकात वास्ते जावा, वजह तो कि लोगों नू ना जाके दसे, लोग मेरे दरवाजे ते ना आ जान। हजरात ऐसा अमल इखलास वाला अमल है, इखलास दी वजह तो इन्हें दुआ की, रब ने दुआ नु कबूल किया, रब ने दुआ नु कबूल करके फौरी तौर ते बारिश नु नाजल फरमा दिता। एक और वाक्या इमाम गजाली रहिमहुल्ला ने अपनी किताब अहिया इल हलूक हलूम दे अंदर ये वाक्या बड़ा प्यारा लिखिया। वाकया की लिख देवे इमाम गजाली रहिमहुल्ला, हजरात इखलास दे अंदर कैसी बरकत होंदी है, जदो बंदे दी नीयत दे अंदर फर्क आ जांदा है, बंदा दुनिया वास्ते जदो अमल करदा है, इस बंदे दा अमल जाया हो जांदा है। इमाम गजाली रहिमहुल्ला लिख देवे बनी इसराइल दा एक बड़ा अल्लाह दा वली बंदा है, इस तरह बाहर निकलिया जंगल दे अंदर जा रहा है, की देखदा है कि लोग
एक दरखत की पूजा कर रहे वे, दरखत की इबादत कर रहे वे, इमाम साहब लिख दे वे ये बनी इसराइल का जिहड़ा नेक बंदा है इहनू बात अच्छी ना लगी, इहने कुल्हारा लिया ए उस जगह की तरफ जा रहा है उस दरखत की तरफ जिस दरखत की लोग इबादत पे कर देवे। रस्ते दे अंदर इनू शैतान मिलिया इंसानी शकल दे अंदर, शैतान इंसानी शकल दे अंदर मिलता है, इनू पुछदा है किधर जा रहा है, ये कहिंदा है कि ए जरा दरखत है लोग दी इबादत कर देवे, मैं दरखत नू कट देना है वड देना है ताकि लोग दी इबादत ना करन। है शैतान से इंसानी रूप इख्तियार किया, ए जरा शैतान है इस अल्लाह दे नेक बंदे नू कहिंदा है कि यार तू इस तरह कर इस दरखत नू ना कट, ए नेक बंदा कहिंदा है मैं कटना ही कटना है, शैतान कहिंदा है तू ना कट, ए बंदा फिर कहिंदा है मैं कटना है, हुन शैतान अगो कहिंदा है कि तू इस तरह कर अगर तू कटना है दरखत नू मेरे नाल कुश्ती कर, अगर तू गालिब आ गया फिर तू जाके दरखत नू कट लवी। ये अल्लाह दा वली शैतान दे नाल कुश्ती करदा है, हजरात अल्लाह अपने वली नू गालिब करदा है, अल्लाह दा वली जित जांदा है, हुन शैतान अगो की कहिंदा है कि यार तू इस तरह कर दरखत नू ना कट, मैं तेनू दो या तीन दिरहम दिया करांगा इहदे बदले तू दरखत नू ना कट। हुन अल्लाह दा है वली है इहदी दिल दे अंदर हुन देखो फतूर आ गया, ये अल्लाह दा वली कहिंदा है ठीक है तू मैनू दो या तीन दिरहम दे दिया कर, हर रोज मैनू दे दिया कर, मैं दरखत नू नहीं कटांगा। शैतान कहिंदा है ठीक है तेरे सरहाने दे नीचे हर रोज दो या तीन दिरहम रख दांगा तू उथों पकड़ लई। पहला दिन होया दिरहम मिल गए, दूसरा दिन होया दिरहम मिल गए, तीसरा दिन होया दिरहम ना मिले, ये अल्लाह दा वली कुल्हारा पकड़दा है, फिर निकलदा है शैतान रस्ते दे अंदर मिलदा है किधर जा रहे हो दरखत नू कटन वास्ते जा रहा वा। शैतान कहिंदा यार ना कट, ये शैतान नू कहिंदा है अज मैं कटना ही कटना, शैतान कहिंदा है चल इस तरह कर फिर मेरे नाल कुश्ती कर लै, अगर तू गालिब आ गया तू जित गया फिर दरखत नू कट लवी। ये दोबारा कुश्ती करदा है, हजरात पहला इखलास दे नाल तुरिया सी, दुनिया दी नीयत नहीं सी, दुनिया दा लालच नहीं सी, जिस तरह असी पैसियां दी खातर अपने ईमान नू फरोखत कर देने आ, पैसियां दी खातर असी अपने ईमान दा सौदा करने आ, हजरात पहला दिल दे अंदर लालच नहीं सी, अल्लाह ने इस बंदे नू गालिब कीता, अज दिल दे अंदर लालच आ गया, दिरहम दिनार दा लालच आ गया, अज दोबारा शैतान दे नाल घोल करदा है झगड़ा करदा है, ए अल्लाह शैतान नू गालिब कर देंदा है और इस बंदे नू मगलूब कर देंदा है। हजरात किस वजह को नीयत दे अंदर फतूर आया, जो पहला तुरिया सी नीयत यह सी कि लोग इस दरखत की इबादत करते दरखत नू कट देना है, शैतान ने कहा तेनू मैं दिरहम दिया करांगा तू ना कट, दो दिन दिरहम मिले ना कटिया, जो दिरहम ना मिले फिर तुर पिया, हुन शैतान ने दोबारा हुन अल्लाह ने देखो इस बंदे नू दोबारा मगलूब कर दिता। वजह क्या है कि इस बंदे दे दिल दे अंदर फतूर आ गया, दुनिया का लालच आ गया, दुनिया की इस बंदे दिल के अंदर मुहब्बत आ गई, माल की मुहब्बत आ गई, अल्लाह ने इस बंदे नू मगलूब करके रख दिता। हज़रात इखलास दा होना जरूरी है, अगर चाहते हो जहन्नम दे अजाब को बच जाइए इखलास दा होना जरूरी है। और तीसरा अमल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज्यादा तो ज्यादा दुआवां करया करो, ज्यादा तो ज्यादा रब दे कोलों दुआ करया करो, ए अल्लाह सानू जहन्नम दे अजाब को बचा। रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे अंदर फरमाया वल्लज़ीना यकूलूना रब्बना सरीफा नलाजाबा, जेरे ईमान वाले लोग रब्बुल आलमीन दे कोलों दुआवां कर देवे अल्लाह जहन्नम दे अजाब कोलों सानू महफूज फरमा। ईमान वाले लोग रब दे कोलों दुआवां और दुआवां केड़ियां करनियां है कि जिन्हां दुआवां दी वजह तो रब्बुल आलमीन बंदे नू जहन्नम दे अजाब कोलों महफूज फरमानगे। हजरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआवां भी दस दित्तियां, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो
फरमांदे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत दे नाल ए दुआ पढ़िया करते सन। इस दुआ की वजह तो बंदे नू अल्लाह जहन्नम दे अजाब कोलो जहन्नम दी अग कोलो महफूज फरमांदे। रब्बाना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व किना अजाबन्नार। हजरात दुआवां ते बहुत ज्यादा है, लेकिन जेड़ियां आसान दुआवां है मैं तुहानू ओ दसना चाहना वा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत दे नाल ए दुआ पढ़िया करदे सन। नबी पाक ने फरमाया जो बंदा कसरत दे नाल ए दुआ पढ़दा है ए वजीफा करदा है। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व किना अजाबन्नार। अल्लाह इस बंदे नू जहन्नम दे अजाब कोलो जहन्नम दी अग कोलो महफूज फरमा लेंदे। दूसरी रवायत हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमांदे के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत दियो लोगो ए दुआ कसरत नल पढ़िया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला फरमांदे सानू ए दुआ इस तरह सिखाया कर दे जिस तरह कुरान पाक दी तलीम दया कर दे। नबी पाक ने फरमाया कि जदों भी मेरा उम्मती नमाज दी हालत दे अंदर बैठा होए तशहुद दे अंदर पहुँच जाए तो जो तशहुद दे अंदर पहुँच के अत्तहियात तो बाद दुरूद पाक पढ़ लवे। दुरूद पाक पढ़न तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए दुआ पढ़िया करो। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम व आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममाद व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। नबी पाक ने फरमाया जो बंदा हर नमाज दे हर नबी पाक ने फरमाया तशहुद दे अंदर ए दुआ पढ़दा है इस दुआ नाल प्यार करदा है इस दुआ नू याद करदा है। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह इस बंदे नू भी जहन्नम दे अजाब कोलो महफूज फरमा लेंदे। तीसरी रवायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा नमाज जोहर तो पहला फर्ज नमाज खड़ी होने तो पहला चार रकतां पढ़दा है चार रकतां नमाज तो बाद पढ़दा है अल्लाह इस बंदे नू भी जहन्नम दे अजाब कोलो महफूज फरमा लेंदे। हजरात चौथी रवायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मनिबतुलिया मिन हाजिहिल बनाती बिशैइन फअहसना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा बेटियां दी वजह तो आजमाया गया अल्लाह दी आजमाइश ते पूरा उतरदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरात जरा आखिरी बातां तवज्जो दे नाल सुनना। नबी पाक ने फरमाया रब ने इन्हू बेटियां दित्तियां है एक बेटी दित्ती है या दो बेटियां दित्तियां है या दो तो ज्यादा बेटियां दित्तियां है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब दी रजा ते राजी रहिंदा है रब दा शिकवा नहीं करदा रब दा गिला नहीं करदा ये नहीं कहिंदा कि अल्लाह तू मैनू ही बेटियां बेटियां देनियां है। हजरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह दी रजा ते राजी रहिंदा है अल्लाह इस बंदे नू जहन्नम दे अजाब कोलों महफूज फरमा लेंदे। हजरात बेटियां दे दुख ओनू पुछ जा के जिन्हों बेटियां दे दुख लग जाते वे जदों बेटी माँ के पेट के अंदर होंगी है दुनिया से बेटी आ जाती है माँ दियाँ जिम्मेदारियां वध जांदियां है माँ ने इस बेटी की एक एक चीज़ का ख्याल रखना है ये अजमाइश रब्बुल आलमीन की तरफों। नबी पाक ने फरमाया जेडे बेटियां की वजह तो दुख आंदे वे बेटियां की वजह तो तकलीफा आंदियां है बंदा इन्हों तकलीफा से सबर करता है फिर अल्लाह इस बंदे नू कबर जहन्नम दे अजाब कोलो महफूज फरमांदे वे। बेटी दुनिया ते आ गई है हजरात माँ बाप परेशान हो जाते वे हुन बेटी दे पढ़दे दा भी ख्याल रखना है बेटी दी इज्जत दा भी ख्याल रखना है बेटी नू चार दीवारी दे अंदर रखना है
ए बेटी जवान हो जाती है, मापे परेशान हो जाते वे, लोगों कहीं देवे जाके कि यार मेटी मेरी बेटी जवान हो गई है, कोई अच्छा जा खूबसूरत रिश्ता लभ के दे। हजरात कह रहे मापे नहीं चाहते साड़ी बेटियां वाचे अच्छे रिश्तों का इंतजाम होए, बेटी जवान हो जाती है। बाप कदी किसी नू कहिंदा है कि यार मेरी बेटी जवान हो गई है, ओदी बेटी मेरी बेटी वास्ते रिश्ता कोई अच्छा जा लभ के दे। हजरात रिश्ता लभ जाए जदों माँ बाप अपनी इस बेटी नू अपने दरवाजे तो रुखसत कर देवे, हजरात माँ की अखां दे अंदर आंसू देवे, बाप की अखां दे अंदर भी आंसू देवे। आंसू इस वजह तो नहीं होंदे कि साड़ी बेटी साड़े दरवाजे तो जा रही है, भरा दी अखां दे अंदर आंसू इस वजह तो नहीं आंदे कि मेरी भैन मेरे दरवाजे तो अगले घर दे अंदर रुखसत हो रही है। भैन दी अखां दे अंदर आंसू इस वजह तो नहीं आंदे कि मेरी बहन मेरे दरवाजे तो अलविदा हो रही है। हजरात रोना इस वजह तो आंदा है कि मेरी भैन मेरी बेटी दे अल्लाह नसीब चंगे बनाए। हर कोई ते नसीबां नूं रोंदा है कि अगले घर जाके पता नहीं की सलूक होना है। हुण जदों ये बेटी अगले घर दे अंदर चली जाती है नवी मुसीबत आ जाती है, ये जिहड़ा इन्हां दा दिमाग है इहदियां डिमांडां ही नहीं खत्म होंदियां, ये बेटी नूं परेशान करदा है। हजरात कहिंदे वे ना लोग कि जिहदी धी दुखी उहदा जग दुखी हुंदा है, जिहदी धी सुखी उहदा जग सुखी हुंदा है। हुण बाप ने बेटी नूं दरवाजे तों रवाना कर दिता, ये बेटी अगले घर दे अंदर चली जाती है। हुण इस नौजवान दे नखरे ही नहीं खत्म होंदे, एक बेटी नूं अपनी बीवी नूं कदी कोई तकाजा करदा है इहदे ते जबरदस्ती करदा है कि जा अपने बाप को फलां चीज लैके आ, अपने बाप को फलां चीज लैके आ। घर दे अंदर लड़ाइयां पै जांदियां है, ये धी उजड़ के घर दे अंदर आ जाती है, ये माँ बाप दियां समैशां वध जांदियां है। हजरात उहनूं पुछो जाके जिहदी जवान बेटी नूं तलाक हो गई है, उहदी बेटी घर दे अंदर बैठी है, वह बाप ते की गुजरदी है, उहदी माँ ते की गुजरदी है। हजरात इहदा मुआशरे दे अंदर रहना मुश्किल हो जाता है। धी जवान हुंदी है, माँ बाप रिश्ते का इंतजाम वास्ते मेहनत कर देवे, रिश्ते वाले वेखन वास्ते आंदे वे, रिश्ते वाले वेख के वापस जांदे वे, चलो असीं जाके फोन करांगे। हजरात ये मुआशरे दियां बातां सुना रहा वा, धी नूं वेख के गए, इस बेटी दे घर दे अंदर खाने भी खाधे, पता नहीं कैसे कैसे चीज़ां खा के वापस जांदे वे, जाके कहिंदे वे कि असीं फोन करांगे तुहानूं दसांगे। दो दिन माँ बाप ने इंतजार किया, दो दिन तो बाद फोन आंदा है कि तुहाडी बेटी दा कद छोटा है, असीं रिश्ता नहीं कर सकते। हजरात तुसीं सोचो तसव्वुर दे अंदर जाके उन्हां माँ बाप ते की बीतदी है कि जदों धी दा जवाब आंदा है कि तुहाडी बेटी सानूं पसंद नहीं। हजरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आजमाइशां बंदे ते बेटी दी वजह तो, नबी पाक ने फरमाया बेटी दी वजह तो जो बंदा आजमाया गया फिर बेटी दी आजमाइश ते पूरा उतरदा है। बेटी नूं मनहूस नहीं समझदा, बेटी नूं बाइसे जहमत नहीं समझदा, फिर भी बेटी नाल प्यार करदा है, बेटी नाल मुहब्बत करदा है। नबी पाक ने फरमाया हजरत दामाद किस तरह का होना चाहिए है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला नो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ऐसे वफा दार सहाबी है, ऐसे दामाद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी रुकैया दा रिश्ता कीता। हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा एक वक्त आया इस दुनिया तो रुखसत हो गई, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो परेशान परेशान रहिंदे वे, रोंदे रहिंदे वे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम दा निकाह कर दिता। वक्त गुजरता गया, उम्मे कुलसूम इस दुनिया तो रुखसत हो गई, नबी पाक दे ए सहाबी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला नो ज्यादा रोन लग पे, बड़े परेशान रहिंदे वे। नबी पाक ने फरमाया ऐ उस्मान परेशान ना हो, अगर मैं मुहम्मद दियाँ 40 बेटियां होंदिया मैं मुहम्मद यके बाद दीगरे तेरे निकाह दे अंदर पेश कर दिता कर देंदा। हजरात दुआ करया करो अल्लाह हर धी नूं ऐसा खावत ता फरमाए
अल्लाह हर बेटी नू ऐसा खामद अता फरमाए, हर किसी नू अल्लाह ऐसा रिश्ता अता फरमाए। हजरत नबी पाक ने फरमाया मनीब तो लिया, जो बंदा आजमाया गया बेटियां दे जरिए, अल्लाह ने इनू एक बेटी दिती है, दो बेटियां दितियां है, तीन बेटियां दितियां है। हजरत ऐसे जालम भी दुनिया ते बाप मौजूद है कि जेड़े एक बेटी होई दूसरी बेटी होई, जो तीसरी बेटी का उम्मीद लगती है, इनू पता चलता है कि तीसरी भी बेटी होने वाली है, ये अपनी बीवी नू धमकी लाता है अगर तीसरी बेटी हुई मैं तेनू तलाक दे दियांगा। हजरत ऐसे जालम भी मौजूद है। नबी पाक ने फरमाया बेटी की पैदाइश ते वाहवाइला नहीं करता, परेशान नहीं होंदा, चाहे इनू पांच बेटियां मिलिया है, इनू सत बेटियां मिलिया है। नबी पाक ने फरमाया बेटी की पैदाइश ते सबर करता है, रब की रजा ते राजी रहिंदा है। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह इनू आजमांदा है, अल्लाह की आजमाइश ते पूरा उतरदा है। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह इस बंदे नू जो बेटियां दी वजह तो आजमाया गया, अल्लाह दी आजमाइश ते पूरा उतरदा है, इन्हां बेटियां दे नेक तरबियत करदा है, नेक तरबियत करके अगे शादी कर देंदा है। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह इस बंदे नू जहन्नम दे अजाब कोलो महफूज फरमा लेंगे, जहन्नम दे अजाब कोलों भी महफूज फरमानगे। और फरमाया मन आला जारिया तईन, जो बंदा दो बेटियां दी वजह तो आजमाया गया, फिर बेटियां दी अच्छी तरबियत करदा है, अच्छे रिश्ते दा इंतजाम करके रिश्ता कर देंदा है। नबी पाक ने फरमाया कल क्यामत वाले दिन वो बंदा जन्नत दे अंदर इस तरह मेरे नाल होएगा जिस तरह दो उंगला नाल नाल है, जन्नत दे अंदर इस तरह मेरे नाल होएगा जिस तरह ये दो उंगला नाल नाल है। दो बेटियां पालियां जिसने ओनू पाक नबी फरमा गए, दो बेटियां पालियां जिसने ओनू पाक नबी फरमा गए, होया साथ नसीब नबी दा बड़ा आला रुतबे पागे। दो बेटियां पालियां जिसने ओनू पाक नबी फरमागे, होया सात नसीब नबी दा बड़ा आला रुतबे पागे। दो बेटियां जेड़ा पालेगा, दो बेटियां जेड़ा पालेगा, जेड़ा अदब अदाब सिखा लेगा, दो बेटियां जेड़ा पालेगा नाले अदब अदाब सिखा लेगा, जेड़ा पाले खूब संभालेगा, ओ ते आखरत अपनी बना गया। दो बेटियां पालियां जिसने ओनू पाक नबी फरमा गया, होया साथ नसीब नबी दा बड़ा आला रुतबे पा गया। जिन्हें पालियां बेटियां कीती शादी है, जिन्ने पालियां बेटियां कीती शादी है, ओनू अग थी मिली आजादी है। जिन्ने पालियां बेटियां कीती शादी है, ओनू अग थी मिली आजादी है, कीती बदरे मुनीर मुनादी है, पूरे जग तो ओ समझा गया। दो बेटियां पालियां जिसने ओनू पाक नबी फरमा गया, बेटी खुशबू भरिया फुल लोगो, बेटी खुशबू भरिया फुल लोगो, ए मिले बाजार ना मुल लोगो, बेटी खुशबू भरिया फुल लोगो, जेरी मिले बाजार ना मुल लोगो, हीरे मोती है अनमोल लोगो, साजद अपनी गल मुका गया। दो बेटियां पालियां जिसने ओनू पाक नबी फरमा गया, होया साथ नसीब नबी दा बड़ा आला रुतबे पा गया।